हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही आपके लिए जानना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का ये। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा आप। तो आप सभी के घरों में कॉर्नफ्लेक्स आते होंगे। कॉर्नफ्लेक्स अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, सिंपल भी होते हैं, चौको भी होते हैं। तो आज हम सिंपल कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इस कॉर्नफ्लेक्स को खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स का सेवन कर रहे हैं तो ये काफ़ी लाभदायक है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं लगभग एक कप कॉर्नफ्लेक्स, बिल्कुल प्लेन हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। और एक कप हमने लिया है ठंडा ठंडा दूध, और ये है शहद। इसके अलावा हमने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए हैं कट करके। तो यहाँ पे आधा अनार दाना, यानी एक अनार के आधा टुकड़े हमने किए हैं और उनके सारे दाने को हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे आधा सेब और एक केला को हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल। तो ये है हमारा बाउल, इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए फ्रूट्स। तो ये देखिए, थोड़े से फ्रूट्स मैं बचा रही हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने अनारदाना। और अब डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून शहद, यानी कि हनी। तो 1 चम्मच हमने हनी डाल दिया है। और अब लास्ट स्टेप आता है दूध का। तो चलिए, इसमें बिल्कुल ठंडा ठंडा हम दूध डाल रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये कॉर्नफ्लेक्स आपको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कॉर्नफ्लेक्स खाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत से लोग इसे गर्म दूध में खाना पसंद करते हैं और उसमें चीनी डाल के खाते हैं। बहुत से लोग गर्म दूध में खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, बट चीनी नहीं डालते हैं। ऐसे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आज हमने जिस तरीके से तैयार किया है हनी डाल के और फ्रूट्स डाल के, ये कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है। इसे आप तुरंत से खाना शुरू कर सकते हैं। ये क्रंची क्रंची से कॉर्नफ्लेक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर दे रहे हैं अपने फ्रूट्स से। और फ्रूट्स डालने के बाद ये बहुत ही हेल्दी हो गया है। आप इसे सुबह नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए भी ये। तो आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपके पास खाने के लिए, बनाने के लिए वक्त की बहुत ही कमी है। तो आप ये अच्छा ऑप्शन है, थोड़े से फ्रूट्स और दूध तो घर में आते ही होंगे, और साथ ही साथ कॉर्नफ्लेक्स ले आके रख लीजिए और आप इन्हें नाश्ते में ले सकते हैं। पेट भी भरा रहेगा, स्वाद भी अच्छा आएगा और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। ये देखिए, दिखने में भी ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप तैयार करके अपने कॉर्नफ्लेक्स को खाइए, घरों में भी सबको खिलाइए, सर्व करिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।